दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गई। सीएम केजरीवाल की बेटी एक पुराने सोफे को ऑनलाइन बेच रही थी। इस क्रम में ठगों ने उनसे 34,000 रुपए ठग लिए। दरअसल पूरा मामला क्या है, तो ठग ने अपने आप को उनके सोफा का कस्टमर बताया। उसने सबसे पहले सीएम की बेटी का विश्वास जीतने के लिए उनके अकाउंट में कुछ पैसे तक भेज डाले। इसके बाद उसने सीएम की बेटी को एक बारकोड स्कैन करने के लिए कहा। इस बारकोड को स्कैन करते ही उनके अकाउंट से एक बार में 20,000 रुपए और उसके बाद 14,000 रुपए डेबिट हो गए, यानी निकाल लिए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी से 34,000 रुपए की ठगी की गई। वह ऑनलाइन सोफा बेच रही थी। किसी ने खुद को ग्राहक के रूप में उनके सामने पेश किया और अपने खाते से कुछ राशि भेजने के बाद एक बारकोड स्कैन करने को कहा। जैसे उन्होंने बारकोड स्कैन किया, उनके खाते से 2 किस्तों में पैसे निकाल लिए गए। पहले 20,000 और फिर 14,000 रुपये सीएम की बेटी के अकाउंट से चले गए। इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। अब सवाल आता है कि आखिर कैसे आज का युवा भी इस स्कैम का शिकार होते जा रहा है, जबकि युवा पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी है और फोनों से इतना लगाव होता है और सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होने के बाद भी इस तरीके की ठगी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार नगरी.in।